गुजरात लोक रक्षक भर्ती के पेपर लीक मामले, बड़गांव विधायक ने दी प्रतिक्रिया। गुजरात राज्य भर में आज हजारों बेरोजगार युवाओं के पुलिस लोक रक्षक की आज लिखित एग्जाम हो रही थी, पर प्रशासन और सरकार की कुछ मिलीभगत के कारण लोक रक्षक दल की भर्ती के पेपर लीक होने के कारण आज पूरे गुजरात भर में बेरोजगार युवाओं में रोष सामने आया। आज बड़गाम विधायक बताया कि 6000 बेरोजगार भर्ती के सामने 9 लाख बेरोजगार युवाओं के सामने बेरोजगारी युवाओं है। रूपाणी सरकार अपने भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं के मिलीभगत से यही खिलवाड़ कर रहे हैं, गुजरात के बेरोजगार युवाओं के साथ की जा रही है। मेवानी ने बताया कि रूपाणी सरकार पूरी गुजरात में निष्फल सरकार है, अपने पद से त्याग पत्र देना चाहिए और गुजरात के 9 लाख भर्ती बेरोजगार युवाओं को अपना एक दिन का ट्रेवलिंग खर्च दैनिक बात करनी चाहिए। आज गुजरात नी अंदर लोक रक्षकों नी भर्ती नी एग्जाम हती अने एक बहुज मोटा घालमेल अने कौभांड ना कारणे एनुं पेपर लीक थई गयुं अने आ पेपर लीक थवाना कारणे 6700 जेटली भर्ती नी एग्जाम आपवा माटे आवेला 9 लाख जेटला गुजरातना बेरोजगारी युवाओंना भविष्य सामे एक बहुज मोटो प्रश्नार्थ उभो थयो छे। राज्यनी विजय रूपाणी सरकार माटे बहुज मोटी शरमनो विषय छे के पेपर लीक थई रह्या छे गुजरातनी अंदर। एक बाजु महाभयंकर बेरोजगारी छे, 2 करोड़ रोजगारी आपवाना वचनमांथी तमे कशुं ज करी शक्या नहीं अने आजे 6700 भर्तीमां 9 लाख लोको एग्जाम आपवा माटे आवाना हता। एमणे के अपेक्षा हती, आशा हती कि रोजगार मळशे, नौकरी मळशे, एग्जाम आवशे, भविष्यना सपना हता, आ बधुं ज रोळाई गयुं छे अने सरकारे आ भर्तीनी प्रक्रिया नवेसરથી हाथ धरवी पड़े। पेपर लीक थवाना पगले ए राज्यनी सरकार माटे बहु मोटी शरमनो विषय छे। एने गंभीरताथी लईने आनुं थरो गोइंग કમ્પ્લીટ ઇન્વેસ્ટિગેશન થવું જોઈએ કે કોણ કોણ માણસોએ, ભાજપના કયા નેતાઓએ આમાં પૈસા ખાધા છે એની પૂરી તપાસ થવી જોઈએ અને તમામ આ બેરોજગાર યુવાનોને એમનો ખર્ચો જે થયો એ રાજ્યની સરકારે એ તરત પાછો આપવાની જાહેરાત પણ કરવી જોઈએ અને તાબડતોબ નવી સરથી ભર્તીની પ્રક્રિયા પણ હાથ ધરવી જોઈએ।